नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। आइए देखते हैं सिद्धार्थनगर की खबर। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में राप्ती आरती व गंगा दशहरा महोत्सव का आयोजन किया गया। गंगा दशहरा के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम को डुमरियागंज के पूर्व विधायक व हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने आयोजित किया। कार्यक्रम में विधायक विनय वर्मा, विधायक श्याम धनी राही समेत भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। इस अवसर पर गंगा आरती किया गया। आयोजक व युवा के प्रदेश प्रभारी पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि इस तरह का आयोजन व 2012 से कर रहे हैं। धार्मिक सामाजिक विरासत जो समाप्त हो चुका था वह अब फिर से लोगों के जागरूकता के कारण शुरू हुआ है। यह कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। 2012 तो पहले वर्ष हम लोगों ने गंगा दशहरा के पर्व पर यह कार्यक्रम यहाँ पे शुभारंभ किया था। आज 9 जून 2022 दसवां वर्ष यह कार्यक्रम भव्यतापूर्वक प्रारंभ हुआ है और आप देख रहे हैं कि 1000 साल का जमा हुआ कचड़ा, पौराणिक महत्व, धार्मिक सामाजिक विरासत ये जो समाप्त हो चुका था वो अब पुनः पुनर्जीवित हो रहा है लोगों के जागरूकता के कारण। हम अपनी नदियों को भी पूछते हैं, हम गौ माता को भी पूछते हैं, इन परंपराओं का महत्व बना रहे, इसलिए ऐसे कार्यक्रम हमारे लिए